कोरोना के असरात अमरीकी खाम तेल को भी ले डूबे। तारीख में पहली बार अमरीकी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मनफी हो गई हैं। सदर ट्रंप कहते हैं 7.5 करोड़ बैरल तेल को जखीरा करेंगे, कीमतें बेहतर होने पर इजाफी तेल फरोख्त कर दिया जाएगा। कोरोना के बायस लॉकडाउन से अमेरिका में खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई है, जिसके बाद खाम तेल की फी बैरल कीमत $2 से भी कम हो गई है। खाम तेल की कीमत में 91% तारीखी कमी हुई है। WTO खाम तेल की कीमत तारीख में पहली बार मनफी चलेगी। WTI खाम तेल की कीमत 0.01 डॉलर की सतह पर पहुंच गई है। उधर कनाडा में तेल की कीमत मनफी में चली गई है के बाद ऑयल कंपनीज ने हुकूमत से मदद मांग ली है। पीर के रोज वेस्टर्न कैनेडियन ऑयल के एक बैरल की कीमत मनफी 0.15 डॉलर तक गिर गई थी। दूसरी जानब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ऑयल क्रैश को कौमी जखायर भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का फायदा उठाकर स्ट्रेटेजिक तेल जखायर में 7.5 करोड़ बैरल का इजाफा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल खरीदारी इसी सूरत में होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी देगी। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा।